जलंधर का तो वध हो गया, किंतु जो शेष है उसका भी अंत होना चाहिए। मूषक जी, अब कैलाश लौट चलते हैं। कुछ विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे? सत्य विघ्नहर्ता है गणेश जी के वचन। मेरे कर्म, मेरे पाप कर्म मेरे और इस संसार के लिए विघ्न बन गए थे, लेकिन गणेश जी ने मुझे उचित मार्ग पर लाकर, मुझे सत्य कर्म के मार्ग पर लाकर उस विघ्न को दूर कर दिया, मुक्ति दिलाई उन्होंने मुझे। आप महान है गणेश जी। अब देवी वृंदा को प्रभु नारायण के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। नारायण बहुत दयालु हैं। भक्तों ने भले ही भूल जाएं, किंतु वो अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। उनकी दया दृष्टि तो सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। क्या ने? मेरे पापों के बाद प्रभु नारायण मुझे स्वीकार करेंगे क्या नहीं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीवीरधान्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गई प्रभु। अपने पापों के कारण मैं आपसे चाहे कितनी भी क्षमा याचना करूं कम है प्रभु, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। पुत्री वृंदा, संसार के हित के लिए तुमने स्वयं को दंड दे दिया, अब तुम मुक्ति की अधिकारी हो। धन्यवाद प्रभु। क्षमाशील हैं, महान है नारायण। आपको शत शत नमन मामा जी। मूषक जी, चलिए अब शीघ्रता कीजिए, हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना चाहिए। जी प्रभु। बस कुछ ही क्षण बाद यह दुष्ट पुनः उठ खड़ा होगा। आप सभी इतने चिंतित क्यों हैं? प्रणाम माँ, प्रणाम पिताश्री। पुत्र गणेश, तुम कुशल तो हो ना? और वृंदा? मैं भी कुशल हूँ माँ, और वृंदा जी भी। मामा जी ने स्वयं उन्हें उचित मार्ग जो दिखाया है ना मामा जी? महादेव, जलंधर अब पुनः जीवित नहीं होगा, क्योंकि मैंने वृंदा को वरदान दिया था कि जब तक वो जीवित है
उसका पति मृत्यु से सुरक्षित रहेगा, परंतु गणेश के कारण मैंने वृंदा को मोक्ष प्रदान कर दिया है। जलंधर अब मृत्यु के मुख में जा चुका है। पिताश्री, जलंधर ने घोर पाप किए, उसके अपराध बहुत बड़े थे, किंतु अब आपने उनका विनाश कर दिया। और आपके त्रिशूल से जिसका भी वध होता है उसका अहंकार तो स्वतः ही मिट जाता है पिताश्री। महादेव, जलंधर आपकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए कदाचित आपका उसको मोक्ष प्रदान करना ही उचित होगा। महादेव, अहंकारवश मैं कितना बड़ा अपराध कर बैठा। मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ और आपको ही नहीं पहचान सका, आपके दिव्य स्वरूप में न देख सका, आपको आपके नाम से संबोधित करता रहा, यह न समझ सका कि देवाधिदेव है आप, परम ब्रह्मा महादेव है आप, जगत पिता है आप। आपसे श्रद्धा करने की मूर्खता करता रहा, किंतु आप तो दया निधान है प्रभु। इतना होने के बाद भी आपने मुझे अपने दर्शन दिए, मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। तुम मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हो जलंधर, इसलिए उसके अंधकार का प्रभाव भी था तुम पर, जो बढ़ता ही गया। तुम तो स्वयं को भगवान घोषित कर चुके थे, मति भ्रष्ट हो चुकी थी तुम्हारी, इसलिए तुमने अपनी भूल स्वीकार नहीं की और तुम्हारा विनाश हुआ। किंतु मेरे त्रिशूल के वार से तुम्हारे भीतर के अंधकार अर्थात तुम्हारे अहंकार का भी नाश हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कुमार कार्तिकेय और गणेश जी से भी क्षमा याचना करता हूं प्रभु। उन्होंने मुझे सत्य दिखाने की चेष्टा की, मुझे समझाने का प्रयास किया, किंतु अहंकारवश मैं कुछ न देख सका प्रभु। किंतु जिस पर अहंकार हावी हो सकता है वो भला सत्य कहां देख सकता है। मैंने अहंकारवश इनके साथ भी बुरा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। महादेव, मुझ पर एक कृपा कीजिए, मैं आपकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ हूं तो पुनः मुझे अपने भीतर समाहित कर मुक्ति दीजिए प्रभु। जलंधर, जो तुम्हारे पापों का आधार था, तुम्हारे उस अहंकार को मैंने मिटा दिया। अब तुम्हारी आत्मा को अपने भीतर समाहित कर तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय।
महादेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने एक बार पुनः हम सभी को और इस सृष्टि को एक महान संकट से रक्षित किया। नहीं देवराज, इस संकट के टलने का, इस विजय का श्रेय तो मुझसे कहीं अधिक पुत्र गणेश को जाता है। पिताश्री, भैया और मामा जी की सहायता के बिना ये कहां संभव था। और देवराज इंद्र के साथ अन्य देवताओं ने भी हमारी योजना में पूर्ण सहयोग दिया था। सम्मिलित शक्ति और उचित युक्ति से ही हम इस संकट को पराजित कर सके। प्रथम पूज्य गणेश की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। माँ, आपके आशीर्वाद से ही तो मेरी सफलता है। पुत्र, मेरी भी यही कामना है। विघ्नहर्ता, तुम इसी प्रकार संसार के सभी विघ्न दूर करते रहो। जलंधर सृष्टि के नियमों को उलटने पर तुला था, सृष्टि का सर्वनाश करने चला था, किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, आपने उसके अंत का उपाय कर हम सभी को एक घोर महासंकट से बचा लिया। देवराज इंद्र, मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया, वही किया जो धर्मोचित था, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि भैया ने भी इस कार्य में मेरी सहायता की। वे इस समय अवधि तक शांत रहे, क्रोधित नहीं हुए वो, तभी तो हमारी युक्ति सफल हो सकी। हाँ अनुज, उचित कह रहे हो, किंतु स्मरण रहे, कदाचित मेरा क्रोध अब न जागृत हो जाए। त्रिदेव, माता पार्वती, प्रथम पूज्य गणेश जी, हम सभी को अब प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। आज्ञा। अभी देवराज, ये कुछ अनुचित कर रहे हैं आप आज। मैं अनुचित कर रहा हूं? किंतु मुझे ज्ञात ही नहीं है कि मैं क्या अनुचित कर रहा हूं। देवर्षि, कृपया शीघ्र बताइए क्या अनुचित हुआ है मुझसे। देवराज इंद्र, जब संकट आप पर कोई छाता है तो प्रथम स्मरण आपको महादेव और प्रथम पूजनीय गणेश जी का ही आता है। तत्पश्चात आप भागे हुए यहाँ आते हैं और जैसे ही गणेश जी वो संकट मिटाते हैं, उसी क्षण आप पुनः लौट के भाग जाते हैं। ये परमार्थ नहीं, ये तो स्वार्थ है। देवर्षि नारद, सभी देवता यहां उपस्थित थे, परंतु आप बताइए, इस संकट काल में आप कहां थे? नारायण नारायण। प्रभु, मुझे इस बात का था ज्ञात कि गणेश जी उस असुर के मिटा देंगे सारे ही उत्पात। विश्वास था मुझे, समस्त समस्याओं को वे करेंगे नष्ट। इसी कारण अन्य कार्यों में मैं था व्यस्त। व्यस्त? अच्छा, तो बताइए देवर्षि, किस कार्य में व्यस्त है आप? अति महत्वपूर्ण कार्य था महादेव। हमारे विघ्न हरते हैं जो सदैव, उनकी उचित हो अर्चना, इसीलिए उनकी स्तुति की मैं कर रहा था रचना। देवर्षि, मेरी स्तुति? प्रणम्यं शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं मायुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं
तृतीयं कृष्णं पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञयः पठेन्नरः न चाभिघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो अद्भुत अति सुंदर देवर्षि मुझे आनंद आया मैं अति प्रसन्न हुआ ये स्तुति जिसमें मेरे 12 नाम है संकट नाशम गणेश स्त्रोतम के नाम से विख्यात होगी और जो भी भक्त मेरे लिए ये स्तुति गाकर मेरी पूजा करेगा मैं उसे सभी विघ्नों से मुक्त कर उसके सभी दुखों का नाश करूंगा मैं कृतार्थ हुआ प्रथम पूजनीय गणेश जी आपका सत सत धन्यवाद देवऋषि यह हमारा सौभाग्य है जो आपके मुख से हमें प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी की इतनी अद्भुत स्तुति सुनने को मिली हम कृतार्थ हुए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय पार्वती नंदन श्री गणेश जी की जय मुझे तुम पर गर्व है पुत्र गणेश सत्य है अनुज गणेश तुम्हारी बुद्धि की शक्ति किसी बलशाली योद्धा के बल से भी अधिक बलवान है भैया ये तो आपका प्रेम और आशीर्वाद है प्रथम पूज्य गणेश जी हम सभी को प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रणाम पिताश्री आपने मुझे स्मरण किया पिताश्री हाँ गणेश जलंधर का तो वध हो गया किंतु जो शेष है उसका भी अंत होना चाहिए पुत्र जलंधर के द्वारा रचित इस कैलाश का कहाँ कोई औचित्य है मैं आपकी आज्ञा समझ गया पिताश्री संसार में जो भी मिथ्या है उसका अंत होगा तभी तो सत्य सभी के समक्ष उजागर होगा कोई कितना भी बड़ा भ्रम उत्पन्न कर दे किंतु सत्य तो सत्य है और सत्य यही है कि समस्त ब्रह्मांड में महादेव एक ही हैं और एक ही है उनका कैलाश शक्ति आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं अरे प्रभु कैसे भूल सकते हैं आप उस भयंकर स्थान को जहां मेरे ऊपर आक्रमण हुआ था वो तो मैं अपनी गति अपनी कुशलता से हम दोनों को यहां से सुरक्षित निकाल कर ले गया था अन्यथा मुझे ज्ञात है मूषक जी किंतु अब तो देवी वृंदा को मुक्ति भी मिल चुकी है इसीलिए अब चिंता का कोई कारण ही नहीं उचित है प्रभु किंतु ऐसे स्थान पर लौट कर जाने की क्या आवश्यकता है उस मिथ्या कैलाश को नष्ट करने मूषक जी ओह जो आज्ञा प्रभु शुभ कार्य में तो तनिक भी विलंब उचित नहीं मैं आपको अति शीघ्र वहां पहुंचाऊंगा असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता
मिथ्या कैलाश का जहाँ से उदय हुआ था अंत में वो वहीं समा गया। ये कार्य तो संपन्न हुआ मूषक जी। चलिए अब कैलाश लौट चलते हैं। जी प्रभु। अब कभी कोई मिथ्या कैलाश का निर्माण करने का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा। कितना भव्य, कितना सुंदर दृश्य है। प्रतीत होता है स्वयं प्रकृति उमा ने अपना श्रृंगार आरंभ किया है, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड ने भी अपना नव श्रृंगार प्रारंभ किया है। मूषक जी वो देखिए, ये मेघ कितनी सुंदर, कितनी मनोहर आकृतियां ले रहे हैं। प्रभु, और संपूर्ण वातावरण में इतनी मनमोहक सुगंध भी छाई हुई है। हाँ मूषक जी, ये सुगंध इन सभी नवीन पुष्पों की ही है। अद्भुत, इतना सुंदर जलप्रपात। इतना गुंजायमान हो गया है जैसे प्रकृति ने स्वयं अपना श्रृंगार किया हो। स्वादिष्ट होगा, बहुत आनंद आएगा इसका आहार करने में।
समीप थे उसके हम, तब भी उम्र कैसे भाग गया? मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक इन वृक्षों के मध्य एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। पुनः वही प्रकाश। देखा, देखा तुमने, वो चमकीला प्रकाश पुनः दिखाई दिया। किसी ने हमारे आखिर का ध्यान भटकाया है, उसे वहीं जाकर दंड देना होगा। चलो। अब मैं स्वयं स्वामी के लिए ये फल लेकर जाती हूँ। ओह, तो ये है वो स्त्री जिसके कारण हमसे हमारा भोजन दूर हो गया। अब तो इनसे अवश्य ही भेंट करनी होगी। मूषक जी, संपूर्ण वातावरण कितना निर्मल, पावन, सौंदर्य से परिपूर्ण है ना आज? हाँ प्रभु, आज की यात्रा तो बड़ी आनंदमयी है। मूषक जी, गति थोड़ी धीमे कीजिए, मुझे कैलाश के इस मनोहर दृश्य का आनंद लेने दीजिए। वाह प्रभु, आप मुझे सदा गति बढ़ाने को कहते हैं। आज प्रथम बार है जब आपने मुझे धीमी गति से चलने को कहा है। आपके आनंद के लिए प्रभु, ये तो मैं बड़ी प्रसन्नता से करूँगा। आकाश में क्या था? कुछ नहीं, मात्र एक मेघ है। कोई पक्षी होगा। मूषक जी रुकिए। क्या हुआ प्रभु, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? कुछ विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे? मूषक जी, यहाँ नीचे उतरना होगा आपको। जो आज्ञा प्रभु। पुनः मुझे आभास हुआ। प्रभु, हम कहाँ जा रहे हैं? मूषक जी, वहाँ कैलाश के सिरे पर उस वृक्ष पर कुछ बेर दिखाई दिए मुझे। चलिए ना, माँ के लिए कुछ बेर तोड़ कर ले चलते हैं। उचित है प्रभु। कहाँ गई वो स्त्री? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन स्त्री? हृदय में फुर्ती भर दे, ऐसी पावन वायु का प्रवाह है यहाँ। अद्भुत। और स्वामी को फल खिलाने में और भी आनंद आएगा मुझे।
अभूतपूर्व सौंदर्य है इस स्त्री का। असाधारण असाधारण रूप है इस देवी का। मूषक जी, माँ ये बेर पाकर प्रसन्न हो जाएंगी। मैं उन्हें अभी देकर आता हूँ। उचित है प्रभु। अद्भुत है इसका सौंदर्य। नेत्र नहीं हट रहे हैं इस देवी से। का चक्र कभी समाप्त नहीं होता, किंतु सत्य सदैव उसके अंत के लिए तत्पर रहता है।